अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप जी? हाँ, टाइटल आपने देख लिया होगा, सर का दर्द इंशाल्लाह ताला 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल्ला। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें। तो मैं आपसे बता दूँ, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जैसे भी होंगे खैर ऑफिस होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ परवरदिगार आलम आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा शाद आबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करें। मेरे अजीज़ों, आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, मुझे कहीं फंक्शन में जाना है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात नहीं है, मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो को बना रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको सुकून से बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। वीडियो में मुझे वाकई जल्दी है, लेकिन मैं आपको सुकून से बताऊंगा कि सर का दर्द आपको कैसे खत्म करना है, आपको क्या पढ़ना है। देखिए सुनिए, मैं आपसे बता दूं, आपका ये जो माथा होता है ना, अब किसी के सर में बहुत तेज का दर्द हो रहा है। अब कुछ भाई सोचेंगे कि श्याप भाई की रोजाना लोकेशन बताते थे, डेट बताते थे, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अभी मैं श्याप भाई का कुछ नहीं बताने वाला हूँ। क्यों? कुछ मालूम सही तरीके से अच्छा पक्का मालूम पड़ेगा तभी मैं बताऊंगा, क्योंकि यही मालूम है कि अभी रुके हुए हैं। डेट आज, कल मिलेगी, कल मिलेगी, आज मिलेगी, क्या डेट हो रही है उनकी, कुछ पता नहीं चल पा रहा है यार। कि वो श्याप भाई के जो टीम वाले हैं भाई, बड़ी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, अल्लाह सलामत रखे, उनके लिए दुआ करें। बस ये है कि मैं बताऊँगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी, जब सफ़र शुरू हो जाएगा मैं आपको तभी बताऊँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अच्छे अच्छे अमल कलाम, ये वजीफे आप सुनते रहें, इन पर अमल करते रहें और इनसे फ़ायदा हासिल करते रहें अल्लाह के रहम करम से। या जब्बारू, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ, आपको ऐसे लिखना है या जब्बारू। हिंदी में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, उर्दू में, अरबी में, किसी भी भाषा में आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। या जब्बारू माथे पर लिखना, पहले तीन बार दरूद शरीफ पढ़ लें, जो भी दरूद शरीफ आपके याद हो, तीन बार दरूद शरीफ पढ़ लें, जो भी दरूद शरीफ आपके याद हो, और उसके बाद में या जब्बारू, या जब्बारू, या जब्बारू, सात बार माथे पर लिखना है, अंगुली से लिखना है, या जब्बारू अंगुली से लिखना है, यहाँ से शुरू करो और यहाँ एंड कर दो। या जब्बारू आपने लिख दिया सात बार, दरूद शरीफ तीन बार पढ़ ली, सात बार दरूद, सात बार या जब्बारू लिख दिया, फिर तीन बार फिर दरूद शरीफ पढ़ ली, उसके बाद में दम कर दो, लिखने के बाद में कर दिया, अभी एक बार एक हो गया, उसके बाद में माथे को सही करके डांट के पकड़ लो बढ़िया तरीके से, उसके बाद में माथे को बढ़िया तरीके से मजबूती से पकड़ लो जिसके भी सर में दर्द है, उसके बाद में फिर या जब्बारू के साथ साथ या सलामू, अल्लाह का एक सिफाती नाम और इसमें पेश कर लें। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको तीन बार दुरूद शरीफ पढ़नी है, और तीन बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में या जब्बारू या सलामू, 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 सात बार पढ़ने के बाद में फिर तीन बार दुरूद शरीफ पढ़ के और माथे पर दम करके फूंक मार देनी है। मगर उस टाइम पर आपकी ये पकड़ माथे की बढ़िया तरीके से मजबूत करके पकड़ लें माथे को, जिसके भी सर में दर्द है इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ वजल, अल्लाह के इन मुबारक नामों की बरकत से उसको शिफा मिलेगी, बहुत जल्दी उसको शिफा मिलेगी इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। देखिए आज मेरा इन्वर्टर डाउन है, और इन्वर्टर डाउन के साथ साथ मुझे थोड़ी जल्दी भी एक मुझे अकीका है, हमारे हमारी खाला हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनका अकीका है, उसमें जाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। और आज इन्वर्टर भी डाउन है तो मैं आपको कलाम नहीं सुना सकता, सिर्फ एक शेर सुना दूंगा इंशाल्लाह ताला, एक या दो शेर आपको सुना दूंगा, बाकी इसी कलाम को मैं आपको कल पूरा पढ़ के सुनाऊंगा इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। ये आज का भी कलाम बहुत प्यारा है। कोई भाई अगर वजीफा अमल ना समझा हो तो वो जो है मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पेश करें, मैं आपका नंबर दे दूंगा अपना, या मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाए, वहाँ मेरा नंबर पड़ा हुआ है, वहाँ से ले लें। एक बहुत ज़रूरी बात रह गई मेरे अजीज़ों, माफ़ी चाहता हूँ, बात ये रह गई, आपको दो रकात नमाज पहले नफिल पढ़ लेनी है, वज़ू आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका वज़ू नहीं है और आपने पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, आपका वज़ू होना चाहिए। और उससे पहले एक बात और बता दूँ, कोई भी अमल करें, कोई वजीफा करें, आप नमाज की पाबंदी जरूर करें। अगर आप नमाजी नहीं हैं, आप बेनमाजी हैं, बुरा मत मानना मेरे अजीज़ों, अगर आप बेनमाजी हैं तो आपका कोई अमल कबूल नहीं होने का, आपका कोई वजीफा कबूल नहीं होने का। आगे तो अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह बेहतर जानने वाला है, लेकिन अजीज़ों नमाज का होना बहुत ज़रूरी है। जिसकी जिसका जो फ़र्ज छोड़ेगा उसका कोई अमल क्या कबूल हो जाएगा, अल्लाह बेहतर जाने, बाकी तो आगे हमारा तो सिर्फ बताने का काम है, लेकिन यह कि नमाज का ख्याल रखें। जो नमाजी होगा, हाँ इंशाल्लाह सच्चे दिल से तौबा किए हुए होगा, किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, जिसने माँ बाप की इज्जत करता होगा अल्हम्दुलिल्लाह, उसका कोई भी अमल वो करे इंशाल्लाह कामयाब होगा। तो आप माँ बाप की इज्जत करें, नमाज का ख्याल रखें, किसी का दिल ना दुखाएं, और कोई भी अमल फिर आप करें इंशाल्लाह 100% कामयाब होगा। और हाँ एक बात और रह गई, अगर आपने ये अमल किया और उसका सर का दर्द फिर भी बंद नहीं हुआ तो फिर आप अल्लाह के इस मुबारक नामों में शक ना करें। क्यों? शक न करने की कोई गुंजाइश ही नहीं मेरे अजीज़, फिर ये सोचे कि हमारे अमाल ही अच्छे नहीं है, हमारी ज़ुबान में वो तासीर ही नहीं है जो इस भाई को हमारे फ़ायदा हो सके। अगर आपको एक बार इसको करने में उसको सर का दर्द या कम ना हो तो आप इसी द्वारा से फिर ऐसे ही प्रैक्टिस करें, ठीक है? आप समझ गए होंगे, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। या जब्बारू सात बार पहले माथे पर लिख दें अंगुली से, या जब्बारू जैसा कि स्क्रीन पर लिख रहा है, ठीक है? उसके बाद में फिर तीन बार दुरूद शरीफ पढ़ें, तीन बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में या जब्बारू या सलामू को मिला करके सात बार पढ़ें, या जब्बारू या सलामू, या जब्बारू या सलामू, या जब्बारू या सलामू, इस तरीके से सात बार पढ़ें और फिर आखिर में तीन बार दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद में उसके माथे पर फूंक मार दें, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसको सुकून मिलेगा, उसका सर का कितना भी तेज़ दर्द हो रहा हो सर में इंशाल्लाह ताला वो
सर का दर्द खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा रखते हुए इस नियत से इस अमल को करें और सवाब की नियत से इस वीडियो को आगे शेयर कर दें। कुछ पता नहीं कौन सा हमारा भाई कौन सी हमारी बहन इस अमल को सुनने के बाद में करे और उससे फ़ायदा हासिल करे, तो इसका आपको भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह ताला, हमें भी मिलेगा आपको भी मिलेगा। नमाज का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मेरा भी ख्याल रखें अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तुम्हारा जो परिवार है सब्सक्राइबर का, ये परिवार अल्हम्दुलिल्लाह ये फैमिली 5 लाख की बहुत जल्दी होने वाली है। तो पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आप हमसे जुड़ जाएंगे। तो आपको इससे अच्छे अच्छे कलाम सुनने के लिए मिलते रहेंगे, वजीफे अमल सुनने के लिए मिलते रहेंगे और हाँ शाह भाई की लोकेशन भी आपको जरूर मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। चलिए इन्वर्टर डाउन कई बार बोल चुका है तो मैं आपको ये एक दो शेर जब तक इन्वर्टर डाउन नहीं होता पढ़कर सुना देता हूँ, और बीच में अगर ये डाउन हो जाए, मैं तस्वीर भाग जाए, वीडियो ख़त्म हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। तो ये है, आप सुन लीजिए, ठीक है। मदीना, हेलो 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 हेलो। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता उनका मंगता मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले हवाले मुझे रुसवा अपने मंग तो अपने मंग तो अपने मंग तो को वो तन्हा नहीं होने देते, अपने मंग तो को वो तन्हा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता। अभी इन्वर्टर बचा हुआ है, चलिए एक शेर सुन ले। नात पढ़ता हूँ तो आती जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, हवाले मुझे
मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मांगता। मेरे अजीजों, कई बार इन्वेटर बोल चुका है, इसने अभी तक साथ दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इस हमारे इन्वेटर को। तो अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज तमन्ना पूरी करे, अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे। चलता हूँ, मिलता हूँ कल सुबह 10 बजे एक नए कलाम के साथ इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखे, अपनों का ख्याल रखे, नमाज का ख्याल रखे। इस वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर कर दे। कुछ पता नहीं हमारा कौन सा भाई कौन सी बहन इस अमल को करके लोगों तक फ़ायदा पहुँचाएँ, उनके जो सर में दर्द है उसको आराम पहुँचाएँ। इंशाल्लाह अल्लाह के इन सिफाती नामों की बरकत है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर कहता हूँ एक बार, अगर किसी को फ़ायदा ना हो तो वो अल्लाह के मुबारक नामों में शक ना करे, वो ये सोचे कि हमारे अमाल ही अच्छे नहीं है जो इसको फ़ायदा नहीं हुआ या हमको फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप एक बार प्रैक्टिस करने के बाद में फिर दोबारा से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आपका जो सर का दर्द है वो दोबारा में इंशाल्लाह बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। मिलता हूं कल सुबह 10 बजे, अपना ख्याल।